देखिए फ्रेंड्स, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये स्पेशली लड़के लोग के लिए ही है। आप लोग इस वीडियो पर विचार करिएगा, नहीं तो आप लोगों के ऊपर ये डायलॉग शूट करेगा कि शिकारी गया शिकार करने पर खुद शिकार बन गया। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि मैं गोवा गई थी, तो मैंने गोवा के बहुत सारे वीडियो भी पोस्ट किए हैं और आज मैं आपको गोवा के एक बहुत बड़ी स्कैम की जानकारी देना चाहती हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आप अगर कभी भी गोवा जाएं तो इस स्कैम से बच सकें। बहुत ही खतरनाक स्कैम है ये, तो चलिए मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी बताती हूँ। तो इस वीडियो की जो टॉपिक है वो है रेड लाइट एरिया। तो गोवा में ये स्कैम कहाँ कहाँ चलता है मैं इसकी पूरी जानकारी दूंगी आपको। आप पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही खतरनाक स्कैम है। अब मैं अपनी खुद की स्टोरी बता रही हूँ, हमारे मेरी और मेरे हस्बैंड की। तो एक दिन हम लोग टीटोस से निकले बाहर, 3 बज रहे थे, लगभग 3:30 का समय था। तो 2 किन्नर बहुत ही खूबसूरत किन्नर थे, तो मैं उनके बगल से क्रॉस की तो तुरंत 2 लड़के मतलब आए बगल में, बोलने लग गए चाहिए क्या चाहिए क्या। तो मैंने सोचा कि क्या चाहिए, तो बोल चाहिए क्या का मतलब बोलते हैं कि लड़की चाहिए क्या। तो वैसे तो हम लोग को लड़की की ज़रूरत थी नहीं, पर हम लोग को तो पता ही था कि गोवा में ये सब स्कैम बहुत चलते हैं। तो मैंने भी ट्राई किया, मैंने उस लड़के से हाँ कह दिया। मैंने उस लड़के से जो हाँ की वो इसलिए हाँ की क्योंकि मैं वहाँ जाकर देखना चाहती थी कि सच में वहाँ स्कैम होता भी है या फिर ऐसे ही अफवाह है खाली कि गोवा में ये सब स्कैम चलते हैं। और आप लोग को भी तो बताना ज़रूरी था ना कि गोवा में एक्चुअल में ये सब होता भी है या नहीं होता है। तो हम लोगों ने उस लड़के से पूछा कि कहाँ जाना पड़ेगा, तो बोले कि जस्ट बगल में ही है, मेरे पीछे आइए आप लोग। तो हम लोग भी उसके पीछे पीछे चल दिए। तो वो जो जगह थी वो थी बागा से कैलुंगेट बीच के बीच की जगह। आप माहौल आप ऐसा देखोगे वहाँ पर कि लगेगा ही नहीं कि यहाँ कुछ स्कैम होता है। हम लोग गए तो थे जरूर उस लड़के के साथ, लेकिन अंदर ही अंदर हम लोगों को डर भी लग रहा था कि कहीं कुछ गलत जगह में हम लोग फंस ना जाएं। लेकिन फिर भी हिम्मत रख के हम लोग गए। तो जो वो लड़का वहाँ हम लोगों को ले गया था वो एक पब था। तो जब तक वो अंदर गया तब तक मेरे हस्बैंड को कोई लड़का बाहर मिल गया, तो वो उनको तुरंत बोलने लगा कि इससे बच के रहिएगा, ये लोग लूटते हैं। तो हम लोगों ने सुन लिया, लेकिन फिर भी हम लोग हिम्मत करके अंदर गए कि एक्चुअल में अंदर है क्या। तो देखा कि वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत लड़की लोग बैठी हुई हैं, कम से कम 20 लड़की होंगी। तो तुरंत मतलब फंसाने लग गए कि कौन सी लड़की चाहिए कौन सी लड़की चाहिए। आप 1 घंटे के लिए कोई भी लड़की लेंगे तो 3000 लगेंगे, और अगर फुल नाइट के लिए लेंगे तो 9000 रुपीज़ लगेंगे। तो जो वो लड़का हम लोग को ले के गया वो एक पब था। तो वो पब में जब तक लड़का अंदर घुसा, वहाँ सिक्योरिटी चेक भी था और कुछ बाउंसर भी थे। तो जब तक वो अपना एंट्री उंट्री करने गया तब तक बाहर में मेरे हस्बैंड को किसी ने बोल दिया कि इन लोग के चक्कर में मत पड़िएगा, ये लोग आपको बर्बाद कर देंगे। तो उससे क्या हुआ कि हम लोग और थोड़ा सतर्क हो, और जो लड़के ने वहाँ पर जानकारी दी वो लड़का तुरंत वहाँ से भाग गया। तो फिर भी हम लोग अंदर गए। तो अंदर जब गए तो देखे बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत लड़की लोग, कम से कम 20 लड़की लोग थी वहाँ, और डांस भी चल रहा था, लड़के लोग डांस भी कर रहे थे। और वो जो लड़की लोग थी वो पूरा लाइन से मतलब बैठी हुई थी कुर्सी में, तो जाते साथ तो पूरा इशारा विशारा करने लग गई। उसके बाद फिर वो लड़का बोला कि आपको जो भी लड़की चाहिए आप ले जा सकते हैं। तो एक लड़की का मतलब 1 घंटे का चार्ज जो रहेगा वो 3000 रहेगा, और अगर फुल नाइट के लिए लेके जाओगे तो 9000 रुपीज़ लगेगा। तो हम लोगों को तो अंदाज़ा हो गया था कि ये पक्का कुछ स्कैम है। तो फिर हम लोगों ने उनसे कहा कि हम लोग के पास जो भी है कैश है, तो वो कैश जो हम लोग रूम पे छोड़ के आ गए हैं, तो हम लोग पहले जा रहे हैं फिर हम लोग कैश लेके आते। लेकिन वो लोग पूरा परेशान हो गए, वो बोलने लग गए कि आपके पास गूगल पे तो होगा, कुछ तो होगा, ऑनलाइन पेमेंट करने का कुछ भी साधन होगा। तो हम लोगों ने बोला नहीं, हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, हम लोग के पास सिर्फ कैश है। लेकिन उन लोगों ने हम लोगों का पीछा ही नहीं छोड़ा, वो हमारे पीछे 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 आने लग गए। तो हम लोग को पता चल गया कि ये लोग हमारे पीछे ही आ रहे हैं। तो हम लोग का जहाँ रूम था, हम लोग उस रूम मतलब उस रास्ते में नहीं जाके अपना रास्ता बार बार बदली करते जा रहे थे। तब हम लोगों ने एक दिमाग लगाया, हम लोगों ने क्या किया, हम लोग एक रेस्टोरेंट था बगल में, हम लोग वहाँ चले गए चाय पीने के लिए। तो वो चाय पीने हम लोग वहाँ गए, वो वहाँ भी पहुँच गया।
तो बोलने लग गया चलिए चलिए सर क्या हो गया आपको, और डिस्काउंट दे देंगे। तो लड़का हम लोगों को इतना परेशान करने लग गया, आपको कैसी लड़की चाहिए आप प्लीज बता दीजिए, अब हम आपको वैसी ही लड़की दिलवाएंगे, रशियन चाहिए रशियन दिलवाएंगे। तो होटल वाला भी पूछने लग गया कि क्या हो गया क्या हो गया। तो फिर हम लोगों ने उन लड़के को बोला कि 2 मिनट रुकिए, हम लोगों को कुछ बात करनी है। तो होटल वाले से भी पूछा कि क्या भैया ये सब मतलब ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ये बात सच होती है क्या? तो होटल वाले ने भी हम लोगों से बोला कि भैया इन लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा। तो फिर मेरे हस्बैंड ने आखिरकार कहा कि अरे भैया ये जो लड़की मेरे साथ है ये कोई और नहीं है, मेरी वाइफ है, अगर आप मेरे को ये सब बोलेंगे तो मेरा तो डिवोर्स हो जाएगा। तो आखिरकार क्या हुआ कि वो लोग हम लोग के साथ स्कैम करने खोज रहे थे, हम लोगों ने आधा घंटा घुमा घुमा के हम लोगों ने उसी के साथ स्कैम कर दिया। लोगों को ये लग रहा था कि वो हम लोग को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम लोग उन लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये स्पेशली लड़के लोग के लिए ही है, आप लोग इस वीडियो पर विचार करिएगा, नहीं तो आप लोगों के ऊपर ये डायलॉग शूट करेगा कि शिकारी गया शिकार करने पर खुद शिकार बन गया। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग तो अपनी सूझबूझ से वहां से निकल आ गए, लेकिन अगर आप वहां होते और कोई लड़की आप पसंद कर लेते तो वहां से आपकी बर्बादी शुरू हो जाती, क्योंकि वो लोग आपसे बहुत पैसा ठगते और प्लस आप कहीं भाग भी नहीं सकते थे क्योंकि वो लोग के अपने बाउंसर थे, सब कुछ था और माहौल भी पूरा वैसे ही क्रिएट किया हुआ था कि आप 2-3 किलोमीटर तक तो कहीं कुछ भाग ही नहीं सकते हैं, और आपको इतना वो लोग खाली कर देते कि आपके पास घर वापस जाने के लिए भी पैसा नहीं रहता, क्योंकि आप तो सबसे पहले अपनी इज्जत बचाते हैं ना। तो फ्रेंड्स, गोवा में स्कैम का पता करने के लिए मैं इतना रिस्क लेके अंदर गई, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों, आपकी ये सच है या झूठ है इसकी जानकारी हमें मिले। तो अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि गोवा में आप लोग जैसे हम लोग जैसे कोई भी इस स्कैम में ना पड़े। पहले तो हम लोगों ने सोचा कि इस चीज़ को हम लोग किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, लेकिन फिर सोचा कि हो सकता है शेयर करने से किसी की मदद हो जाए। कोई कोई लड़के होते हैं कि सोच लेते हैं कि वहाँ लड़की मिलेगी तो चले जाते हैं, तो इसलिए बचने के लिए मैंने ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर की है। तो प्लीज़ आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी बेचारा व्यक्ति वहाँ, क्योंकि वहाँ कोई भी किसी की मदद नहीं करता है, वहाँ गोवा में सब लूटने के लिए ही बैठे रहते हैं। और भी स्कैम से रिलेटेड वीडियो मैं आगे भी पोस्ट करूँगी, आप देखिएगा। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो में, बाय।